चलिए देखते हैं अपना जो हमारा पांचवा मौलिक अधिकार है, जिसे कहते हैं सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, जिसे हम कहते हैं कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, इसे आती है आर्टिकल 29 और 30। आर्टिकल 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। यानी हमारे भारत में आपको पता होगा जब हमें भारत को आजादी मिली थी तो बहुत सारे जो अल्पसंख्यक थे, जिसे SC ST OBC कहते हैं, उनके हितों का संरक्षण रखा गया। क्योंकि अगर उनके हितों का संरक्षण रखेंगे तो दिन पर दिन वो हमारे भारत के लोकतांत्रिक की ओर से कटते चले जाएंगे और कहीं ना कहीं उनमें एक हीन भावना आ जाएगी, जिस कारण से उनको अपने धर्म और सांस्कृतिक शिक्षा को हित करने का अधिकार होता है, संरक्षण करने का अधिकार होता है। आर्टिकल 30 कहता है कि अगर हमारे देश में SC या ST चाहे तो वो अपने लिए कोई खास शैक्षणिक संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, जिसमें वो केवल खुद के SC ST के बारे में, उनके हितों के बारे में पढ़ा सके, उनके इतिहास के बारे में वो पढ़ा सके। और जो हमारा छठा मौलिक अधिकार आता है, जिसे हम लोग कहते हैं संविधान की आत्मा, संविधानिक उपचार या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इस रेमेडीज के अंदर मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हम लोग जो हैं वो रिट्स जारी करते हैं। ये रिट्स क्या है तो मैं बता देना चाहता हूं कि सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमारे रिट कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारे रिट जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। ये रिट कौन कौन से होते हैं और इस रिट में क्या होता है मैं आपको बताऊंगा अभी जस्ट। पहला जो होता है वो होता है हैबियस कॉर्पस, जिसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें होता क्या है कि कभी कभी जो पुलिस वाले होते हैं, खाकी वर्दी वाले, ये अपने वर्दी का गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे कभी कभी कुछ पुलिस वाले अपने वर्दी का गलत इस्तेमाल क्या करते हैं कि वो कभी किसी बंदे को अरेस्ट तो कर लेते हैं लेकिन कोर्ट में पेश नहीं करते हैं, उसे वो टॉर्चर करते हैं। उस अधिकार यानी उस खाकी वर्दी के अधिकारों को बचाने के लिए, फिर कह सकते हो उसके खिलाफ बोलने के लिए, हम एक रिट जारी कर सकते हैं जिसमें ये कह सकते हैं कि मेरी कोई जुर्म नहीं है, तब भी ये बंदा हमको कोर्ट में नहीं लेकर जा रहा, हमको केवल टॉर्चर कर रहा है थाने में बैठा करके। तो उस आधार पर जो कोर्ट होगी वो रिट जारी करेगा हैबियस कॉर्पस, और उस पुलिस वाले को ये आदेश देगा कि उस व्यक्ति को हमारे सामने प्रस्तुत करो, उसने क्या जुर्म किया है वो कबूल करेगा, नहीं तो तुम उसे फालतू में तंग क्यों कर रहे हो। तो ये होता है हैबियस कॉर्पस, यानी कह सकते हैं कि खाकी वर्दी जिससे अक्सर लोग डरते हैं, उसके अधिकारी को सीमित करना और हमारे मौलिक अधिकार को बनाए रखने के लिए ये रिट जारी किया जाता है। दूसरा आता है मैंडमस, परमादेश। परमादेश क्या होता है, परमादेश के अंतर्गत जो होती है मुख्य रूप से जो हमारे देश में कोई भी जो सरकारी सेवाएं, जो हमारे सरकारी सेवा जो हमें दी जाती है और उस सेवा को हमें नहीं मिलती है, उस आधार पर जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर मैं बिजली की बात करता हूं, हमारे घर में बिजली कट जाती है तो हम बिजली वाले को फोन करते हैं कि भाई हमें बिजली कब मिलेगी, उस आधार पर वो हमें कोई सूचना नहीं देते हैं या फिर हमसे बदतमीजी से बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं बिजली लेने का अधिकार तो उनको, हमें लेने का अधिकार तो है ही, और उनको बताने का भी अधिकार है कि भाई क्यों नहीं आ रहा। उस अवस्था में अगर वो हमें अधिकार नहीं देते तो हम उनके खिलाफ रिट जारी कर सकते हैं परमादेश, और कोर्ट ये उन्हें वो आदेश देगा कि हमारा आदेश है कि तुम से बिजली दोगे। यानी इस अवस्था में कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों को मिलना के लिए कौन सा देते हैं, परमादेश, यानी कोर्ट सबसे ऊपर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण में क्या होता है, उत्प्रेक्षण की अगर बात करते हैं तो उत्प्रेक्षण में हम कह सकते हैं कि क्या ये जो दोनों हमारे रिट्स हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सर्सियोरी और प्रोहिबिशन, ये दोनों एक ही है लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस क्या होता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर मैं एक डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूं तो वहां पर सेशन कोर्ट होते हैं। सेशन कोर्ट में किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ केस चल रहा हो, जैसे MLA की बात करते हैं, अगर किसी MLA के खिलाफ किसी सेशन कोर्ट में केस चल रहा हो और उसके जज ने कुछ ऐसा फैसला दे दिया हो जिसके फैसले से उस राज्य में हिंसा भड़क गई हो और उस राज्य की कह सकते हैं नियम और कानून जो होता है वह बिल्कुल उसकी धज्जियां उड़ गई हो, उस अवस्था में उस देश में, उस राज्य में, उस जिले में, उस डिस्ट्रिक्ट में नियम कानून बनाए रखने के लिए उस सेशन जज के जो फैसले होते हैं उसको रोकने के लिए हाई कोर्ट जो होता है वो एक रिट जारी करता है, जिस रिट्स को हम लोग कहते हैं प्रोविजन यानी प्रतिषेध। ठीक है, लेकिन उसी में क्या होता है, अगर उसके उस डिसीजन से काफी अधिक मात्रा में और काफी लंबे समय तक हिंसा चलती रही तो उस केस को उस सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट में मंगाने के लिए जो जज रिट्स जारी करता है वो रिट्स का नाम होता है सर्सियोरी, यानी केवल उसके निर्णय को रोकना होगा तो निर्णय को रोकने के लिए प्रोहिबिशन जारी करेगा, लेकिन अगर उस केस को अपने कोर्ट में लाना होगा तो उसके लिए वो सर्सियोरी रिट्स जारी करता है।
और अंतिम में बात करते हैं क्यू वारंटो। ये क्यू वारंटो क्या होता है, नामी है क्यू, क्यू यानी क्यू। अगर कोई पुलिस अधिकारी अपने पद से ऊपर जाकर के या फिर अपने ऊपर पद पर कार्य करता है जिसके लिए उसे कोई भी कह सकते हैं ऑफिशियल लेटर नहीं मिला है, इस अधिकार यानी इस अवस्था में जो कोर्ट होता है उसको रोकने के लिए एक रिट जारी करता है और उससे पूछा जाता है कि आपने किस अधिकार से ये कार्यभार संभाला या फिर ये काम किया। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर कोई पुलिस अधिकारी अपने पद से ऊपर वाले पद पर जाकर काम करेगा तो हो सकता है कि वो किसी कानून लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक कर दे या फिर किसी लॉ एंड ऑर्डर को इस्तेमाल करके हमारे देश में अराजकता फैला दे, हमारे जिले में लोगों को डराए धमकाए। तो इस कारण को रोकने के लिए, चीजों को रोकने के लिए जो होता है वो हमारे जज जो जारी करते हैं वो क्या करते हैं, अधिकार परीक्षा, जिसमें उससे पूछा जाता है कि आपने किस अधिकार से ये जिम्मेदारी संभाली, आपको किसने ये राइट दिया था। ठीक है दोस्तों, तो हमने देख लिया पांचों रिट्स, पहला बंदी प्रतिष्ठकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण, पांचवा अधिकार परीक्षा। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार का वीडियो दूसरा है जिसमें मैंने आपको तमाम पॉइंट्स बता दिए और तमाम चीजों को बता दिया। एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वीडियो क्लास में, आपने देखा होगा कि जो हमारी संपत्ति का अधिकार है जो आर्टिकल 31 में आती है उसे क्यों हटा दिया गया। आप लोग किताब में भी पढ़े हो लेकिन किताब में आपको नहीं मिला होगा कि क्यों हटाया गया। क्यों आप किताब में पढ़ते होंगे कि सर हटा दिया गया, बस इतना ही लिखा हुआ है। तो मैं बता देता हूँ, खास करके लुसेंट पढ़ने वाले, जिनका लुसेंट पढ़ने का आदत है उनको लगता है कि लुसेंट से मेरी नौकरी हो जाएगी, तो ये सोचना गलत है। लुसेंट आपको उतना ही देगा जैसे गागर में सागर होता है। ठीक है, तो क्यों हटाया गया ये आपको कहीं नहीं मिलेगा सिवाय एक अच्छी बुक्स जैसे कि लक्ष्मीकांत की बात करते हैं। तो हटाने की बात होती है कि मौलिक अधिकार में जो संपत्ति का अधिकार इसे इसलिए हटाया गया था 1978 में, क्योंकि हो क्या रहा था कि जब हमारा देश विकासशील हो रहा था तो हमारे देश में बहुत सारे आर्थिक प्रोजेक्ट आ रहे थे, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट आ रहे थे, जैसे बड़े बड़े ब्रिज बनाना, बड़े बड़े रोड बनाना। तो जो संपत्ति का अधिकार था इसके तहत जो लोग हैं वो हमारे राष्ट्रीयकरण में योगदान नहीं दे रहे थे। जैसे कि सरकार ने कोई फोर लेन का प्रोजेक्ट निकाला तो उस फोर लेन में बहुत सारे गाँव वालों की जमीनें आ गई, उसमें लोग जो थे गांव वाले अपने जमीन नहीं देते थे। क्यों भाई, क्योंकि उनके पास तो अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, वो तो कोई से छीन सकता नहीं, यानी वो अपनी संपत्ति दे भी सकते और नहीं भी दे सकते हैं। इस कारण से हमारे देश के विकास में ये संपत्ति के अधिक जो संपत्ति का अधिकार था ये बाधा बन रहा था। तो इस बाधा को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया, हमारे संसद में कानून पारित हुआ जिसके तहत इस संपत्ति का अधिकार को मौलिक से हटा करके कानूनी कर दिया गया। यानी कहने का मतलब है केवल सरकार चाहेगी तो आपकी संपत्ति आपसे छीन सकती है, क्योंकि उस संपत्ति को वो राष्ट्रीय के विकास में लगा सकती है और उस आपकी संपत्ति को राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लगा सकती है, सरकार को आप मना नहीं कर सकते हैं। यानी सरकार चाहे तो आपके जमीन पर रोड भी बना सकती है, सरकार चाहे तो आपके जमीन पर ब्रिज भी बना सकती है, क्योंकि आपके एक जमीन देने से बहुत लोगों का विकास हो रहा है। तो उस अवस्था में एक संपत्ति का जाना कोई बहुत बड़ी मायने नहीं रखती है। ठीक है दोस्तों, तो कारण क्या था कि हमारे राष्ट्र के विकास के लिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक से हटा करके क्या बना दिया गया, कानूनी। और किस संशोधन के द्वारा, तो 44वां संशोधन कब किया गया, 1978। ठीक है, तो ये आपके बाद आपको एक नया चीज सीखने को मिला होगा, क्योंकि अभी तक आपने किताबों में केवल लुसेंट पढ़ा हुआ कि हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया मैंने भी आपको विशेष डीएनए के रूप में बता दिया, तो आज के लिए इतना काफी है। दैट्स ऑल, थैंक यू।